आने वाला समय में कौन प्रधानमंत्री होगा? अरे ये सब सवाल बंद कीजिए ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जमुई लोकसभा क्षेत्र के हवेली खड़गपुर पे मौजूद हैं और आरजेडी कार्यालय है, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा माहौल है? माहौल एकदम जो है हमारे आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में लहर है वो हमारे अर्चना कुमारी के पक्ष में, जमुई विधान लोकसभा से हम लोग हैं उसमें उनके पक्ष में, और हमारे जो वोटर हैं आगे हैं, और जहाँ तक हम लोग जाते हैं वहाँ तक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए जनता तैयार है। तो कैसा समर्थक मिल रहा है लोगों का? समर्थन एकदम पूरा जोर शोर से है, समर्थन में कहीं भी कोई कोताही नहीं है। हमारे महागठबंधन इंडिया महागठबंधन जो है मुकेश जी जो है आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ करके हम लोग जीतने का काम करेंगे। आने वाले लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन प्रधानमंत्री ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ जो है आदरणीय श्री लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव युवाओं के लिए, भविष्य के लिए जो उन्होंने रखा है जो नींव, वो उनको मजबूत करने के लिए ये जुमलाबाजी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम लोग हटाएंगे इस बार, और हटा करके तब जो है किसी प्रधानमंत्री अच्छे प्रधानमंत्री का हम लोग चुनाव करेंगे, और महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वो पूरे इंडिया में जो है वो एक नंबर का होगा प्रधानमंत्री, जो कि इस बार हम लोग चुनने जा रहे हैं। जो विपक्ष की पार्टी बोलती है कि इंडिया महागठबंधन में मेल नहीं है, एकजुट नहीं है, कहाँ तक देखिए वो लोग सारा दिन जुमलाबाजी किए हैं और उनका जुमलाबाजी आज तक नहीं ख़त्म हुआ है। हम लोग में मेल है, आपसी भाईचारा है, आपसी तालमेल है, सभी माजेटी के लोग को हम लोग मिला के चलते हैं। आज देखिए मुकेश सहनी को नज़रअंदाज किया, आज मुकेश सहनी जो है आरजेडी का दामन थामा, महागठबंधन का दामन थामा, और उन्होंने आज बिहार को बता दिया, और उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी पर विश्वास किया, तेजस्वी यादव जी पर विश्वास किया, और उसी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, और बिल समाज के लोग भी जो है एकित होकर के वोट हम लोग को करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन कुमार खिरारी, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष, राजद हवेली करपुर। आने वाला लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो गठबंधन के नेता लोग तय करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आदरणीय जो है राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाला समय में जो संसद के सदन का जो नेता चुने जाएंगे उसकी जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत होगा, वो इंडिया गठबंधन के जो नेता लोग हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और संसदीय कार्य समिति के जो नेता लोग हैं वो चयन करेंगे। जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए जनता का जो सपोर्ट है आज के डेट में 63% वोट विरोध में, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो चरम सीमा पर है, इसलिए आज जो हमारा परसेंटेज वोट है 70-72% वोट है, वो जो है वोट विरोधियों का वोट है, वो पोलराइजेशन हुआ। आज पूरे देश में 1-1 की लड़ाई हो रही है, 1-1, 1-2-3-4-5 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जो है बाजी मार लिया करते थे, लेकिन आज सत्ता के विपक्ष में जो वोट गिरा करता था वो वोट का डिवाइडेशन होता था, आज वोट का पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। आज जो है 65-70% वोट एकत्रित होकर के नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए, और ये भ्रष्ट सरकार जो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं नौकरी के नाम पर नौजवानों को जो ठका गया, 15-15 लाख रुपये की बात की गई, बेरोजगारों को जो है भविष्य जो सुनहरा भविष्य था उसको चौपट किया गया। आज छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, जितने लोग हैं सब इनसे तबाह हैं, इनकी तबाही के चलते आज सारे लोग एकत्र होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम किशोरी यादव हुआ, मैं प्रखंड के राजद प्रवक्ता हूँ। नमस्कार। आने वाला समय में कौन प्रधानमंत्री होगा? प्रधानमंत्री गठबंधन की ओर से ये सांसद जब बनेंगे सारे सांसद मिल करके अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी इसका प्रधानमंत्री का अगला प्रधानमंत्री का जो है चुनाव
इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलके करेंगे। और नरेंद्र मोदी अपने आप को जो कह रहे हैं 400 पार, वो 150 से ज़्यादा उनकी संभावना नहीं है। वो बोलने का तो 400 पार कहते हैं, अब कि उसको होश हो जाएगा। और हमारे 17 साल के मुख्यमंत्री इतना नर्वस हो चुका है कि 400 को 4000 कहता है, नरेंद्र मोदी 400 कहता है और 4000 कहता है। पूरे पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स होते हैं सांसद, और इसको 4000 कहता है। ये पगला लगता है गांजा और शराब लेकर के बकते हैं, उनको भाषण भी देने में गांजे पी के करते हैं भाषण, और उनको होश नहीं रहता है कि 400 किसको कहता है और 4000 क्या होता है, वह यह गणित भी नहीं जानते हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है अभी? तो गठबंधन के लोगों को समर्थन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमको लगता है कि आने वाला समय में कौन प्रधानमंत्री होगा? अरे ये सब सवाल बंद कीजिए ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। भारत के भोले भाले जनमानस के साथ 2014 से बीजेपी ने जो प्ले गेम की शुरुआत किया, अगर मैं कहूँ कि जिस क्रूरता और नग्नतापूर्ण भारत के भोले भाले जनमानस के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माँ बहनों के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार किया है, इसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नक्शे को भी अगर मैं कहूँ बिगाड़ कर रख दिया तो गलत नहीं होगा। इसलिए अब समय उनका ख़त्म हो गया है। वो गाय गंगा दंगा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, ये सब नहीं चलेगा। रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, पानी का कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। आज ये हिंदू और मुसलमान करता है, आदर्श हिंदुत्व के ठेकेदार, उससे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये बीजेपी वाले लोग पूछता है तो मैं भी उससे पूछना चाहता हूँ कि लूटी जा रही थी फूलन देवी की इज्जत भी सड़कों पर, तो ये आदर्श हिंदुत्व के ठेकेदार मौन थे? अगर पद्मावती हिंदू थी तो बताओ फूलन देवी कौन थी? इसलिए साथियों, आज उसका सारा मुद्दा, कोई मुद्दा है ही नहीं उसके पास। अगर कोई मुद्दा है तो आवे बोले बोले। आज एक वो मुद्दा था, अरे लालू चालीसा जब तक नहीं पढ़ेगा बिहार में उसका कल्याण नहीं होगा। वो लालू चालीसा भी पढ़ना उसका बंद हो गया, परिवारवाद बंद करता था ना, बंद हो गया। अभी भ्रष्टाचार बोला ना, वो भी बंद हो गया, आया चुपचाप चला गया, कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए हम लोग जम्मू लोकसभा में हैं, जम्मू लोकसभा में जो समीकरण बना है वो हो सकता है, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है पूरे बिहार में नंबर वन पर रहेगा। हाँ, अच्छा, जनता का कैसा समर्थक मिल रहा है? मैं उसी का समर्थन के आधार पर बोल रहा हूँ, समीकरण के आधार पर बोल रहा हूँ। 3.5 लाख वोट यादव का है, 3.25 लाख वोट अल्पसंख्यक का है, इसके बाद SC ST है, इसके बाद निषाद का 2.25 लाख वोट है, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो? इसके बाद वो जमुई की बेटी है, वहाँ पर पार्टी का सारा दीवार टूट गया, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। ये जमुई की बेटी है, जमुई की शान है, जमुई की आन है, जमुई की प्रतिष्ठा है। इसलिए अगर अर्चना देवी रविदास हारती है तो समझ लो जमुई की जनता हारती है। इसलिए जमुई की जनता सारे दीवार को तोड़ते हुए हर पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रह करके कि जमुई की बेटी को मैं जिताऊँगा और रिकॉर्ड मत से जिताऊँगा, वहाँ की सोच है। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप पातुरी हुआ। जनता का समर्थन, हम सारे गांव में, सारे मोहल्ले में, सारे टोले में, सारे कस्बे में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे प्रत्याशी मुकेश जी, अर्चना कुमारी जी घूम रही है, और फुल समर्थन महिलाओं का, सभी माइनॉरिटी के लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सभी लोग हमारे अर्चना भारती के, अर्चना कुमारी के साथ है। और जम्मू खड़गपुर तारापुर संग्रामपुर सभी जगह हम लोग घूम करके बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी का प्रचार गाड़ी को घुमा दिया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जुमलाबाजी करने का काम किया नौजवानों के साथ, युवतियों के साथ और किसानों के
साथ, सबसे ज़्यादा किसानों के साथ उन्होंने समस्या लोड किया। आज किसान रोड पर है, किसान को सभी सब्सिडी नहीं मिल रहा है, किसान को कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं नौजवान साथियों से कि वो RJD को, महागठबंधन को वोट दें, ताकि पूरे इंडिया में नरेंद्र मोदी को हम लोग हटाने का काम करेंगे। थैंक यू। तो ये था जमुई लोकसभा क्षेत्र के हवेली खड़गपुर के RJD कार्यालय से, और पहला मतदान 19 अप्रैल को है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।